फ्रेंड माई सेल्फ दीपक एंड वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्त आप लोग के साथ आज मैं शेयर करना पनीर फ्राइड राइस। तो चलिए देरी ना करते हुए पनीर फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नया नोटिफिकेशन दे आप लोगों के पास चैनल के लिए। तो मैंने अभी फ्राइड राइस के लिए सारा इंग्रेडिएंट्स जो था वो सब इकट्ठा कर लिया है। तो इंग्रेडिएंट्स में से एक प्लेट में से मैं बासमती राइस उबाल के ले लिया हूँ और कुछ मैं वेजिटेबल को ले लिया हूँ दो प्लेट में से। वेजिटेबल में से मैंने फ्राई ऑनियन को मैं थोड़ा ले लिया हूँ फ्राई कर से, और थोड़ा सा मैंने ग्रीन पी ले लिया हूँ, और नहीं था उसको हल्का सा फ्राई कर लिया हूँ। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता को चॉपिंग कर लिया हूँ, थोड़ा सा ऑनियन चॉपिंग कर लिया हूँ, और थोड़ा काजू किशमिश को थोड़ा लाइट फ्राई कर लिया हूँ, और इसमें से मैं थोड़ा सा कॉलीफ्लावर को ले लिया हूँ, और थोड़ा सा फ्रांस बीन्स को ले लिया हूँ, और थोड़ा सा कैरेट को ले लिया हूँ, और मैंने कैप्सिकम को ले लिया हूँ, ग्रीन चिल्ली को ले लिया हूँ, और टमाटर ले लिया हूँ, और थोड़ा सा एक मैगी मसाला ले लिया हूँ, एक पीस बटर ले लिया हूँ, और मैंने सोया सॉस ले लिया हूँ, इसमें विनेगर ले लिया हूँ। सबसे पहले मैंने जो कैप्सिकम लिया था उसको मैंने डाल दिया पहले, थोड़ा सा चला लेता हूँ कैप्सिकम को। कैप्सिकम को भी मैंने थोड़ा सा बटर से भून के थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ऑनियन को चॉपिंग करके रखा था उसको भी डाल देता हूँ, उसको भी थोड़ा सा मैंने लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑनियन भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अभी जो मैंने कॉलीफ्लावर लिया था उसको ऐड कर लेता हूँ, उसको भी थोड़ा देर के लिए चला लेता हूँ। एक टीस्पून करीब मैंने नमक इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा सब्जी जल्दी से जल्दी पक के रेडी हो जाएगा। इसको ढक्कन लगा के मैं छोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए पकने के लिए। कॉलीफ्लावर को पका तो ये करीब करीब दो मिनट मेरा हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा चला लेता हूँ। अभी इसमें मैंने चॉपिंग करके कैरेट और जो मैंने फ्रांस बीन लिया था उसको इसमें ऐड कर देता हूँ। अभी मेरा सारा वेजिटेबल पक गया है। अभी वेजिटेबल को पकाते हुए करीब करीब 15 मिनट हो गया है। मेरा सारा वेजिटेबल पक गया, एकदम रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ और जो अभी राइस लिया था सारा राइस को ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी जो भी चीजें मेरा सारा बचा था, सारा पनीर लिया था, पनीर को मैंने ऐड कर देता हूँ। फ्राइड ऑनियन को ऐड कर देता हूँ, किशमिश को ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस डाल देता हूँ ऊपर में, और विनेगर थोड़ा ऐड कर देता हूँ, और आखिर में मैंने मैगी का मसाला लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ।